हेलो दोस्तों, आज लर्निंग महोत्सव में जो मैंने सीखा है वो एक केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है, मोल। मोल का शाब्दिक अर्थ होता है हीप, ढेर। जैसे ये मेरे पास एक टोमेटोज का ढेर है, इसमें कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टोमेटोज हैं। ठीक उसी प्रकार से केमिस्ट्री में जब एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, पार्टिकल्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, इनके एक सर्टेन नंबर्स के ढेर को मोल कहा जाता है। और वो सर्टेन नंबर क्या होते हैं ये साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया, और वो होता है 6.022 × 10³। ये 6.022 × 10³, इसको एबागेड्रो नंबर बोलते हैं, क्योंकि एबागेड्रो ने इसको सबसे पहले बताया था कि इतने एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स एक मोल में होते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत आसानी होती है यदि हम ये समझें, ये मेरे कितने हाथ हैं? दो। दोनों एक जैसे हैं इसलिए हम इसको कहते हैं वन पेयर। ये दो वन पेयर थम्स हैं। उसी प्रकार से हमारी आईज, वो वन पेयर हैं। ईयर्स वन पेयर्स हैं, वन पेयर हैं। तो कई सारी चीज पेयर्स में होती हैं। जैसे ही हम पेयर बोलते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि कोई दो एक जैसी चीजें हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम एक दर्जन, डजन बोलते हैं, एक डजन बोलते हैं, तो हमारे ध्यान में क्या आता है? हमारे ध्यान में आता है कि कोई भी 12 है। जैसे मेरे पास ये 12 टोमेटोज हैं, ये 12 टोमेटोज, इनको मैं यदि क्वांटिफाई करूं, इनको नंबर इनके काउंट करूं, तो इसमें मेरे को ये 12 टोमेटोज दिखाई देंगे। या मैं ये अनियन ले लूं, ये अनियन भी, ये 12 अनियंस हैं, तो ये 12 अनियन, ये भी 12 हैं, तो मैं इनको भी क्या बोलूँगा? एक डजन। इसका मतलब है चाहे मैं अनियन लूं, टोमेटोज लूं, बनाना लूं, या कोई भी चीज़ जो 12 नंबर में होंगी, उन 12 नंबर के को हम एक डजन बोलते हैं। एक पेयर में दो आइटम होते हैं, एक डजन में 12 आइटम्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक मोल में 6.022 × 10³ ये आर्टिकल्स होते हैं। अब केमिस्ट्री में जो आर्टिकल हैं वो क्या हैं? केमिस्ट्री में एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या कोई और अन्य पार्टिकल्स होते हैं। तो यदि 6.022 × 10³ नंबर्स में कोई भी एंटिटी है तो हम उसको एक मोल बोलेंगे। एक मोल तो एक प्रकार से मोल माने ढेर, हीप, हीप ऑफ मॉलिक्यूल्स, हीप ऑफ एटम्स, हीप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड द नंबर इन दैट वन हीप और वन मोल इज 6.022 × 10³। यदि मैं ये कहूं कि वाटर मॉलिक्यूल्स, वन मोल वाटर मॉलिक्यूल्स, वन मोल वाटर मॉलिक्यूल्स कहने का अर्थ होगा कि वन मोल वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब है 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यदि मैं कहूं कि वन मोल ऑफ सोडियम एटम, तो इसका अर्थ होगा 6.022 × 10³ सोडियम एटम्स।
तो आप समझ गए होंगे दिस 6.022 इनटू 10 की पावर 23 एक नंबर है और इस नंबर को हम 1 मोल बोलते हैं। किसी भी केमिस्ट्री के एंटिटी माने एटम मॉलिक्यूल पार्टिकल्स आयंस के लिए जब हम ये 6.022 इनटू 10 की पावर 23 लगा देते हैं तो उसको 1 मोल काउंट किया जाता है। ये कुछ मैंने सीखा, आपके समक्ष प्रस्तुत किया, आप भी सीखते रहिए, लगातार आप सीखिए, लर्निंग महोत्सव चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।